पता है की अम्बेडकर को लालू ने वोट, लालू लालू अम्बेडकर को गलत बात बोल रहे, एकदम एकदम गलत। आप लोग तो दलित और शूद्र की बात करते हैं और दलित की छात्रवृत्ति बंद कर दी है, आप लोग कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा लोग। नो मनी फॉर सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC ST बिहार गवर्नमेंट टू SC, हाईकोर्ट को बिहार सरकार का ये कहना है। आप खुद दलित समाज से आते हैं, दलित का छात्रवृत्ति बंद कर दीजिए, क्या करेगा? चमड़ा जूता सिएगा, ताड़ी बेचेगा, क्या करेगा? भाषणबाजी, मंच पर भाषण देंगे, भाषण अच्छा लगता है? आप लोग जब भाषण देते हैं, मीडिया जितना प्रचार करना हो बहुजनों के सरकार के खिलाफ में प्रचार कर ले, लेकिन बिहार में दलित पिछड़ों को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मानवादी मीडिया है, मानवादी मीडिया। ये सतीश दास जी हैं जिन्होंने शेड्यूल कास्ट सब प्लान पे जो घोटाला हुआ था 88 करोड़ का, उसको विधानसभा में एकदम उछाल के 20 मिनट मजेदार भाषण दिया था उस पे कि नीतीश जी ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अभी पल्ला झाड़ के भाग गए। 8800 करोड़ रुपया SC ST फंड का बिहार सरकार ने डाइवर्ट करके बड़े ब्रिज, बड़े बांध और बड़े सड़क बनाने और बिजली कंपनी को अनुदान देने में खर्च किया। दलित के पढ़ाई के पैसे नहीं, हाँ हाँ, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के दलितों को शैक्षणिक रूप से पिछड़ा रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा डर दलितों से है कि दलित पढ़ लिख लेगा तो हमको चैलेंज करेगा। तेजस्वी यादव जी नहीं दिया ना, नीतीश कुमार दिए ना, गठबंधन के पहले दिए है ना। अरे अरे, अभी 15 तारीख की, 15 तारीख के दिए हैं। आप ऐसी कैटेगरी से आते हैं तो ठीक है, चमार है। और रामचरितमानस की बात करेंगे, दलित को उसके अधिकार छीन लेंगे, उसके पढ़ाई छीन लेंगे और उसको अनपढ़ बना के रखेंगे अपनी तरह। बिहार की महागठबंधन की सरकार में दलितों को पढ़ने का अब अधिकार नहीं है। दलित ना MBBS कर पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे और ना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर पाएंगे। बहुत मुश्किल से वो BA MA कर लेंगे तो यह बड़ी बात है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है वो पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट दी है कि दलित के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप के लिए फंड नहीं है। ये ताज़ा मामला इसी महीना की बात है, 15 फरवरी को। देखिए खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, नो मनी फॉर सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC ST बिहार गवर्नमेंट टू SC, हाईकोर्ट को बिहार सरकार का ये कहना है। यानी अति शूद्र अब नहीं पढ़ पाएंगे, और ये लोग भाषण देते हैं कि शूद्रों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, और उन्हीं की सरकार में दलितों की जो पढ़ाई होती है उस पर बैन लगाने की कोशिश की जा रही है। RJD के विधायक हैं सतीश दास जी, आप लोग तो दलित और शूद्र की बात करते हैं और दलित की छात्रवृत्ति बंद कर दी है, आप लोग कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा लोग? बहुत बढ़िया। देखिए आप बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ छात्रों को, उधारी लेके पढ़ेंगे, माने दलित खाने का अनाज नहीं, उधारी लेके पढ़ेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है? नहीं, उसके आगे तो सुन लीजिए। दूसरी बात, जो सब प्लान का पैसे की बात आप कह रहे हैं, वो सब प्लान के पैसे के लिए जो केंद्र सरकार ने शर्त रखा है बिहार के लिए 50-50 का। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं, एकदम एकदम गलत। 60-40 का रेशियो है, 40 है ना, 50-50। बिहार ने अभी कहा है कि हमारे पास सब प्लान में ऐड करने के, बिहार में दुनिया भर काम के लिए पैसा है, दलित को पढ़ाने का कौन सी? नहीं, आप लोग जो शिक्षा मंत्री है तुलसीदास के दोहा के बारे में बोलते हैं, दलित की बात करते हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव, आप लोग, आप खुद दलित समाज से आते हैं, दलित का छात्रवृत्ति बंद कर दीजिए, क्या करेगा? चमड़ा जूता सिएगा, ताड़ी बेचेगा, क्या करेगा? चौकीदारी करेगा? बिहार में अगर लालू यादव जी नहीं आए होते तो शायद दलित समाज के लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज, लालू यादव पैदा किए अम्बेडकर को, लालू ने वोट, लालू यादव ने, लालू अम्बेडकर जी, लालू यादव ने देने का काम किया, नहीं तो पैर का जूता सर पर रखकर लालू यादव ने होते तो फूले यादव ने बिहार में यूनिवर्सिटी खोला, हम इसी मुद्दे यादव ने लोगों को कॉलेज की छात्रवृत्ति बंद कराया, और लालू यादव जी के समर्थन से जो सरकार चल रही है इसमें किसी भी दलित पिछड़े की छात्रवृत्ति जो पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा, कल है नहीं रुकेगा, हम कहना चाह रहे हैं। तो हाईकोर्ट में लिख के दे दिए हैं। हाँ, तो हाईकोर्ट में सरकार जवाब देगी, दे दी कि नहीं हो पैसा हमारे पास, दलित को पढ़ना बंद, बिहार के पढ़ना बंद है, तो पैसा किसी कैसे पढ़ेगा? बिहार में सुन लीजिए आपको, सब बिहार में सरकार ने 534 प्रखंडों में अनुसूचित जाति के रहने के लिए 500 बेड का, छोड़िए ना बेड, स्कूल कॉलेज में JVN करेगा तो बेड पे कहाँ से पढ़ेगा? तो भैया स्कूल कॉलेज में कैसे नहीं जाएगा? ऐसे जाएगा, एकदम पढ़ेगा, छात्रवृत्ति बंद, दलित पिछड़ों को पढ़ने से कोई नहीं, भाषणबाजी, मंच पर भाषण देंगे, भाषणबाजी, भाषण अच्छा लगता है? आप लोग जब भाषण देते हैं, मीडिया जितना प्रचार करना हो बहुजनों के सरकार के खिलाफ में प्रचार कर ले, लेकिन बिहार में दलित पिछड़ों को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मानवादी मीडिया, मानवादी मीडिया, जो भी भाषण,
जो भी दलित पिछड़ों को दलित का छात्रवृत्ति बंद करेंगे आप। कैसे दलित पिछड़ों का? हाई कोर्ट में क्या लिख के दिए कि पैसा फंड नहीं है? तो क्या पैसा नहीं रहेगा तो क्या लिख के देंगे? तो दलित का आदिवासी छात्रवृत्ति के लिए पैसा बाकी है। सब प्लान के पैसे के लिए हमारी मांग है कि दुनिया बिहार में हर काम के लिए पैसा नहीं। दलित की छात्रवृत्ति का जो रेशियो था उस 90-10 के रेशियो को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं तो नहीं मिले, नहीं तो बंद हो जाए, नहीं तो सरकार अपने फंड से देगी। तो दे पैसा नहीं। उन्होंने कहा है कि जो दलित पिछड़ों का जो बाधा आ रहा है पैसे के वजह से बाधा आ रहा है, हम पैसे के जुगाड़ कर रहे हैं और पैसे आने पर उनको छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। अभी जुगाड़ हो रहा है, पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति का जुगाड़ हो रहा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, अब बिहार के दलित की छात्रवृत्ति बंद करेंगे। अब विधायक जी कहते हैं मनुवादी मीडिया। नाम हूँ आपका? राजीव कुमार, समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। बिहार सरकार ने एफिडेविट दे के कहा है कि साहब हमारे पास केंद्र सरकार के इस स्कीम को लागू करने के लिए बिहार में पैसा नहीं है, जबकि राज्य सरकार को मात्र 40% पैसा खर्च करना है। 50-50 नहीं, 40% राज्य को खर्च करना है, 60% केंद्र को करना है। दूसरा बात है कि ये कहते हैं पैसा नहीं है, तो पिछले ही साल मैंने एक RTI से निकाला था डॉक्यूमेंट, उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था 8,8800 करोड़ रुपया हमारे अधिकार का इन्होंने रोड बनाने, बड़े ब्रिज बनाने, बड़े क्या हुआ पैसा SC ST वाला, उसको डाइवर्ट कर दिया। वो CAG का फाइंडिंग है कि 8800 करोड़ रुपया SC ST फंड का बिहार सरकार ने डाइवर्ट करके बड़े ब्रिज, बड़े बांध और बड़े सड़क बनाने और बिजली कंपनी को अनुदान देने में खर्च किया। दलित के पढ़ाई के पैसा इन्होंने कर, हाँ हाँ, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये क्योंकि इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार, मेरा खुलम खुल्ला आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के दलितों को शैक्षणिक रूप से पिछड़ा रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा डर दलितों से है कि दलित पढ़ लिख लेगा तो हमको चैलेंज करेगा। क्योंकि ये जो तानाशाही रवैया कर रहे हैं फ्रॉम द 2016 से लेकर के अभी तक, जब जब इनको हाईकोर्ट कहता है तो ये वो करने लगते हैं। असल यही है कि नीतीश जी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे नीतीश जी से कि भाई साहब आप अगर चाहते हैं भाजपा को बिहार में रोकना, तो बिहार का जो स्थिति है उसमें जो हमारा प्रोविजन है SC ST सब प्लान, ये एक प्रोविजन है कि अगर 1,00,000 करोड़ का बिहार सरकार का बजट होगा, 15,000 करोड़ हमारा होगा उसमें, और उसको हमारे डेवलपमेंट पे खर्च करना है। वो पैसा लगा दे पुल पुलिया सड़क में कने। हाँ, आप SC से हैं, आप चाहते हैं आपका बल बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने? हाँ भाई, उसका छात्रवृत्ति बंद SC ने। देखिए, छात्रवृत्ति सिर्फ जो है छात्रवृत्ति तो निश्चित होना चाहिए। यादव से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, सुनिए एक मिनट, हाई कोर्ट में लिख के दे दिए हैं। तेजस्वी यादव जी नहीं दिए ना, नीतीश कुमार दिए ना, गठबंधन के पहले दिए हैं ना। अरे अरे, अभी 15 तारीख की महीना 15 तारीख के दिए हैं। अच्छा ठीक है, सरकार के पास सुनिए, हम लोग सरकार किए हैं, अभी अभी अनाउंस किए मंच पर। सरकार के पास जो समस्या है उस समस्या से वो जूझ रहे हैं, फिर उसको भाषण दिया था इस पे। एक सेकंड, ये सतीश दास जी हैं जिन्होंने शेड्यूल कास्ट सब प्लान पे जो घोटाला हुआ था 88 करोड़ का, उसको विधानसभा में एकदम उछाल के 20 मिनट मजेदार भाषण दिया था उस पे कि नीतीश जी ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अभी पल्ला झाड़ के भाग गए। हमारे जो दलित रिप्रेजेंटेटिव है उनको लड़ना चाहिए। आप ऐसी कैटेगरी से आते हैं तो ठीक है, चमार है, और ठीक है, जहाँ से चमार है बढ़िया बात। हमारे परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे, बढ़िया बात। और बाबू जगजीवन राम के जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट डिप्रेस क्लास लीग था उसके मेंबर थे, ठीक है ना। बात चलिए, और कुछ बोलना बाकी रह गया ना? देखिए, ऐसे भी जो ऐसे बढ़ेगा आपको जरूरी नहीं है। चलिए, तो बात दलित की, बात अति दलित पिछड़ों की, छात्रवृत्ति बंद कर देंगे दलितों की, ये है महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार की। रामचरितमानस की बात करेंगे, दलित को उसके अधिकार छीन लेंगे, उसके पढ़ाई छीन लेंगे और उसको अनपढ़ बना के रखेंगे अपनी तरह। पूरा वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइब नहीं, घंटी बजा दीजिए। जय भीम, जय भारत।